हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको तंदूरी मसाला या फिर इसको टिक्का मसाला भी बोलते हैं बनाना बताऊंगी। ये हम तंदूरी पनीर या तंदूरी चॉप या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो तंदूर करके बनाते हैं या तवे पे भी बनाया जाता है, तो इसी मसाले से बनाएंगे। बहुत सारी नॉन वेजिटेरियन सब्जी भी हैं जो यही तंदूर करके बनाई जाती हैं, वो मसाले इसी मसाले से बनते हैं। तो आइए ये मसाले देखते हैं। इसकी सामग्री इस प्रकार हैं। ये धनिया है जो सूखी वाली खड़ी धनिया, ये 2 चम्मच। ये जीरा है 2 चम्मच। सौंफ 1 चम्मच। मेथी 1/2 चम्मच। ये जो जितने खड़े मसाले हैं इनको हम हल्का सा ड्राई रोस्ट कर लेंगे। और लौंग है 5-6 और 2 बड़ी इलायची, 5-6 छोटी इलायची, इनको भी डाल देंगे। और ये स्टायरेनीज है, 2 मैंने स्टार एनीस लिया है। और ये दालचीनी के टुकड़े हैं कुछ, और ये जावित्री, काली मिर्च और ये नटमैग, ये भी इसी में डाल देंगे। और ये लाल मिर्च खड़ी वाली और ये तेज पत्ता। तो ये सारी चीज़ें जो खड़े मसाले हैं वो हम थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हल्का सा हम इसका नमी निकालना है, इतना हमको करना है। या तो आप इनको धूप भी दिखा सकते हैं और ऐसे पीस सकते हैं बिना ऐसे ड्राई रोस्ट करे हुए। और ये मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली, इसको पैप्रिका मिर्च भी कहते हैं। ये खड़ी भी मिलती है, अगर खड़ी मिल जाए तो इसको आप इसी के साथ में रोस्ट भी कर लीजिए। और ये हल्दी पाउडर है, ये सौंठ पाउडर है, इसमें आप लहसुन का पाउडर और प्याज का पाउडर भी डाल सकते हैं, लेकिन उससे मसाले जल्दी से ख़राब हो जाते हैं। तो मसाले जल्दी ख़राब ना हो उसके लिए हम थोड़ा सा नमक या फिर सिट्रिक एसिड इसमें डाल के रख सकते हैं, जिससे मसाले काफ़ी दिन चल जाएंगे। तो ये देखिए हो गए, ये मैं हाथ से छू पा रही हूँ, हमको बहुत ज़्यादा नहीं करना है। ये कढ़ाई से हटा लिए हैं ये जो खड़े मसाले थे। अब इसमें ये जो सूखे वाले मसाले हैं पिसे वाले, इनको हम डाल देंगे। ये मैंने कश्मीरी मिर्च का पाउडर और ये हल्दी का पाउडर और ये सौंठ का पाउडर, ये सारी चीज़ डाल के अब हम इसको महीन पीस लेंगे। और इसमें नमक डालना चाहें तो आप नमक भी डाल सकते हैं, जिससे काफ़ी दिन चल जाएगा। मैंने पीस लिया, अब इसको हम छान लेंगे। देखिए मसाला बनकर तैयार है। पीसने के बाद ये थोड़ा सा गर्म रहता है, जब ठंडा हो जाए तो इसको आप एयरटाइट कंटेनर में भर के रखिए और ये 6-7 महीने चल जाता है। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।